नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 नामांकन के अंतिम दिन कड़ी सुरक्षा में नामांकन प्रक्रिया हुई संपन्न। अयोध्या में नगर निकाय चुनाव के अंतिम दिन कड़ी सुरक्षा के बीच में नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो गए। सभी राजनीतिक पार्टियों और निर्दल प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन कराया। नामांकन प्रक्रिया 17 अप्रैल से प्रारंभ होकर 24 अप्रैल को समाप्त हो गई। आज अंतिम दिन नगर निगम महापौर पद के लिए 11 प्रत्याशियों ने और नगर निगम पालिका अध्यक्ष पद के लिए 7 प्रत्याशियों ने, नगर निगम पार्षद प्रत्याशी के लिए 513, नगर पालिका सदस्य के लिए 177 प्रत्याशी, नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 89 प्रत्याशी और नगर पंचायत सदस्य के लिए 532 प्रत्याशियों ने अब तक नामांकन कराया। नामांकन के अंतिम दिन भाजपा से महापौर पद प्रत्याशी गिरीश पति त्रिपाठी और भाजपा के सभी पार्षद पद प्रत्याशियों ने नामांकन कराया। उसके बाद सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क में विशाल जनसभा आयोजित की गई। वहीं कांग्रेसी प्रमिला राजपूत ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन कराया। नामांकन के अंतिम दिन सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त दिखा। वहीं आइए सुनते हैं और देखते हैं नामांकन कराने के बाद प्रत्याशियों ने अपनी जीत को लेकर जनता से क्या अपील की। शीर्ष नेतृत्व को बहुत धन्यवाद, हमारे विधायक जी को धन्यवाद, हमारे सांसद जी को धन्यवाद, हमारे महानगर अध्यक्ष जी को धन्यवाद। क्षेत्रवासियों का विश्वास बना रहे इसके लिए क्या अपील करते हैं? हम यहाँ बसपाकुल्ला वार्ड जो पहले पुलिस लाइन था वहाँ से पहले सभासद रह चुके हैं, तो क्षेत्रवासी तो हमें जानते हैं, हमारे काम करने का तरीका, हमारा व्यवहार, हमारी व्यक्ति से परिचित हैं। हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि और जो समय नहीं हो पाया था, जो अब नगर निगम हो गया, जो कि अब बजट भी ज़्यादा हो गया, हर चीज़ें हो गई, पहले बजट भी इतना नहीं था, क्षेत्र भी बड़ा हो गया है, तो वो सारी सुविधाएँ जो यहाँ नहीं है, पार्क नहीं है, जैसे इस क्षेत्र में जिम नहीं बन पाया, पुराने जो पार्क क्षेत्र नहीं बनवा पाए, लेकिन मैं इन सारी सुविधाओं को अपने क्षेत्र को उपलब्ध कराऊंगा। बाकी सड़क नाली तो आम बात है, वो तो रहेगी। आज नामांकन हुआ? जी हाँ, जी बिल्कुल, 3 सेट में नामांकन। वार्ड पार्टी का नाम? वार्ड संख्या 29 अशफाकुल्ला वार्ड, भारतीय जनता पार्टी, पार्षद प्रत्याशी संग्राम सिन्हा। आपने नामांकन किया? सर मैं बहुजन समाज पार्टी से नामांकन किया हूँ। क्षेत्र का क्या नाम है? कपूर ठाकुर वार्ड 14 नंबर पास। पार्टी कौन सी थी? बहुजन समाज पार्टी। और जनता से क्या अपील करेंगे आप? सर जनता से अपील के यही करेंगे कि जनता ने हमको खड़ा किया है, जनता के आदेश पर, जनता के निर्देश पर हम काम कर रहे हैं, उन्हीं के पद पर 24 घंटा हो हम लोग। आज नामांकन किया आपने, जी जीत के लिए क्या अपील करता है? सर जीत के लिए जनता ही अपील करें, जनता से। क्षेत्र में क्या विकास चाहते हैं? जैसा क्षेत्र सर विकास ही चाहते हैं हम लोग, जैसे सौर ऊर्जा हुआ, नाली खंजा हुआ, या हमारे गाँव पे जो सरकार से जो आती है सरकार से योजना, वो वहाँ तक नहीं पहुँचे, उसको हम लोग पहुँचाने का कार्य हम करेंगे। सहयोग में आपके कौन कौन आए हैं? सहयोग में हमारे साथ जो कोऑर्डिनेटर रवि मौर्या जी सामने हैं हमारे साइड में, ये हमारे जो है कि नामांकन दौरान कौन कौन आज में साथ में आया? आज के आपके हमारे साथ में हमारे पति हैं और घनश्याम अग्रवाल, गणेश कुमार यादव जी हैं। भैया क्या मुद्दा है? अरे विकास बहुत पूछ लिया है, ठीक। सरोज वर्मा, महाराणा प्रताप, 16 नंबर वार्ड क्या मुद्दा होगा? हमारा मुद्दा है कि लोगों का सेवा करें, सेवा मेरा मुद्दा है। इधर देखिए, क्या अपील करेंगे आप जनता से? जनता से अपील करेंगे मेरा साथ दें और मैं इनका साथ दूंगा। क्या नाम है? सरोज वर्मा। जनता से क्या नाम है आपको? किस वार्ड से है? किस वार्ड से? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है, अशोक सिंगल नगर वार्ड से मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बना गया हूँ। मैं शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को इस भारतीय जनता पार्टी द्वारा अयोध्या नगर निगम के अशोक सिंगल नगर वार्ड से मुझे प्रत्याशी बनाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। क्या मुद्दा है आपका?
मुद्दा मुझे ये रहा कि अयोध्या में जो अपने वार्ड है उसे पूरा विकास करूंगा, अपने लोग को एक साथ लेके चलूंगा, हर व्यक्ति के सुख दुख में साथ रहूंगा। कई प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कोई लड़ाई नहीं, एक तरफा लड़ाई है, मैं तरफा जीतूंगा चुनाव। किस तरह विकास करेंगे आप? कहता हूँ हर तरह के विकास। नगर पंचायत अध्यक्ष गोसाईगंज के प्रत्याशी है बहुजन समाज पार्टी से। क्या मुद्दा होगा? मुद्दा हम लोगों का ये है, शिक्षा, बेरोजगारी और कानून पे सबसे ज्यादा है। जब तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही प्रदेश के अंदर, कोई भी आतंकवादी या जो है गुंडा माफिया प्रदेश में पनप नहीं पाते थे। आज आए दिन जो है घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, उसको सब लोगों के अयोध्या के इस बार धरती ने दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, मुस्लिम समाज और जो भी सामान्य वर्ग से जो पिछड़े लोग हैं, सब लोग इस समय बहुजन समाज पार्टी सरकार के साथ आ चुके हैं और इस बार अयोध्या की धरती से बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराएगा। क्षेत्रवासियों से अपील करेंगे आप? क्षेत्रवासियों से हमारा यही अपील है कि जो आप लोगों ने जब तक बहन मायावती की सरकार रही आपने उसमें देखा, और इधर उसके बाद बीजेपी और सपा समाजवादी पार्टी की सरकार रही, पुनः लोगों की इच्छा है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने, उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती लेडी के नेतृत्व में सरकार के नेतृत्व हो। सुशीला सैनी जी, बहुजन समाज पार्टी। पार्टी का क्या नाम है जिससे आपने? भारतीय जनता पार्टी। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता कि आपको वोट दे के जिताए, किस तरह? नहीं, जनता से अपील यही रहेगा, इनका बढ़िया रहा, बढ़िया बढ़िया। जनता से यही अपील है कि 10 साल से हम जीते हैं चुनाव, अब की तीसरी मरतबा है, फिर जिताएं, अपना प्यार मोहब्बत हमको दें, जितना हम काम कराए हैं उसका हमको मिलेगा। जी क्या बढ़िया सहयोग है, बहुत बढ़िया सहयोग है, लगातार दो बार से जिताए, तीसरी मरतबा है। पार्टी को, अरे पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद है हमको उस लायक समझा। जी जी, भारतीय जनता पार्टी से है। क्या नाम है आपका? राम अवतार यादव। किस पद के लिए आज नामांकन किया? पार्षद पद प्रत्याशी के लिए। जनता से अपील क्या करेंगे? जनता से अपील करेंगे, जनता हमारी मदद करे, जनता की मदद हम हमेशा करेंगे, 24 घंटा करेंगे, और जनता हमारी मदद कर रही है, जनता हमारे साथ चल रही है। और हमारे क्षेत्र में किस तरह के विकास चाहते हैं? क्षेत्र में इस तरह के विकास चाहते हैं कि जो कोई विकास नहीं किया, कोई विकास हमारे यहाँ कोई हुआ नहीं, हम सोच रहे हैं कि ऐसा विकास करो कि जनता खुश रहे, हमेशा जनता की मदद करिए, जनता के साथ रहिए। ना नाली का व्यवस्था है, ना खड़ंजा की व्यवस्था है, ना पानी का व्यवस्था है, जनता बहुत पीड़ित है। एक जनता से हम उनसे अपील करते हैं कि जनता हमारी मदद करे, हमको उस मुकाम पे पहुंचाए कि हम उनका पूरा काम। नाम वार्ड का नाम बताइए। राम अवतार यादव, परमहंस वार्ड से हम है, 9 नंबर वार्ड से प्रत्याशी है पहली बार। नाम क्या है? इसकी अवधेश स्वर्णकार। पार्टी को कैसे आप सहयोग करते हैं कि क्या आप धन्यवाद ज्ञापित करेंगे? आप बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को और आदरणीय योगी जी को, जो आज पूरे विश्व में जो है हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की पूरी क्षेत्र में किस तरह का काम करना चाहेंगे आप? क्षेत्र में सबसे पहला पहले का कार्य होना चाहिए कि जितने भी विकास की योजनाएं हैं सभी लाभार्थियों के पास पहुंचे और स्वच्छ हो नगर, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। नाम बता दीजिए, वार्ड का नाम बताइए। सरकार वार्ड नंबर 9 भारतीय जनता पार्टी। वार्ड 24 है, हम वार्ड संख्या 51 अशोक सिंघल नगर वार्ड से पार्षद पद हेतु अपना नामांकन पत्र दाखिल किया हूं और चुनावी प्रक्रिया में पूरी तरह से उतर रहा हूं। हमने समाजवादी पार्टी से अपना नामांकन किया है। क्या मुद्दा है आपका? देखिए मुद्दा तो यह है कि हमारे शहर में चले जाइए अशोक सिंघल वार्ड में, जो हमारे सुलभ शौचालय बने हुए हैं पूरी तरह से बेदीन है, कोई मतलब उसका नहीं है। पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या हमारे वार्ड में है, रामघाट चौराहे पर जाम लग जाता है, उसका निजात अभी तक कोई करा नहीं पा रहा है। अभी कुछ वर्ष पहले वहां आपने देखा, आप लोग गए। हम जनता से अपील कर रहे हैं कि हमको समाजवादी पार्टी को उस वार्ड से चुनाव जिताए, तो मैं वहां पर जो वृद्धा विधवा लोग हैं उनको फ्री का जो तीर्थ यात्रा की व्यवस्था, 1 से 12 तक के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करूंगा, जो गरीब घर के बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए एक बस की सुविधा करेंगे और अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन कराने का हम काम करेंगे। ये हमारे वहाँ के प्रमुख मुद्दे रहेंगे। जो साधु संत हमारे हैं वो बहुत ही परेशान हो जा रहे हैं, अयोध्या नगरी से लेकर परिक्रमा रोड से लेकर हमारे वार्ड तक जितने भी क्षेत्र आते हैं, जो भी टूटेगा उसको उचित मुआवजा दिलाने का हम काम करेंगे। अगर हम चुनाव जीतते हैं तो उनको पक्का आवास बनवाने का काम। मंगल पांडे 49
से मैं कांग्रेस पद का उम्मीदवार मोहम्मद तकवीर, मैं अपनी जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि जो इन 5 सालों में जो भी उम्मीदवार जो भी वहां का जीता प्रत्याशी था उसने जो भी कार्य किया हो, मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ उस कार्य को ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी भूमिका में करने का प्रयास करता रहूँगा। क्या अपील करेंगे आप जनता से? मेरी जनता से ये अपील है कि पिछले 2 बारों से 10 साल से मतलब वहाँ बीजेपी का प्रत्याशी रहा है और इस बार जो भी 5 सालों में बीजेपी का कार्यकाल रहा जिसके बिना पर वहाँ पर इस तरह से तोड़फोड़ और गरीबों को परेशानी का सामना करना पड़ा और जो भी लोग वहाँ परेशान हुए उन सभी से मैं अपील करता हूँ कि मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ आपकी लड़ाई लड़ने का कार्य करूँगा। और आपसे एक अपील और भी है, मुझे इस बार मंगल पांडे वार्ड 49 से ज़्यादा मतों में विजयी बनाने की कृपा करें। अपना नाम बताइए, पार्टी का नाम। मैं मोहम्मद तबरेज मंगल पांडे 49 से कांग्रेस उम्मीदवार हूँ। वोट दीजिए जनता से। जनता से कहना है हमको वोट दीजिए, हमको जिताइए। क्या नाम है आपका? सरोज वर्मा। किस वार्ड से है? 16 नंबर, महाराणा प्रताप 16 नंबर जी। भारतीय जनता पार्टी से। क्या अपील है आपकी जनता से? जनता से ये अपील है कि जो है वो हमको लाइक करते हैं, हमको जिताएं ताकि हम उनके साथ जो है खड़े रहें और उनकी सारी समस्याओं को दूर करें। किन मुद्दों लेकर उतरे हैं आप मैदान में? देखिए, जो भी समस्याएं हैं वार्ड में मैं उसका निस्तारण करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, उसकी लिस्ट बनाई जाएगी और उसकी पूरी तरीके से अपील करते हैं क्षेत्रवासियों से, यही अपील करते हैं कि मैं उनका आशीर्वाद चाहता हूँ, मुझे चुन करके जो है अपने क्षेत्र में जिताएं। नाम क्या है, वार्ड का नाम क्या है? जी, मेरा नाम डॉक्टर सूर्य शेखर प्रताप, चौधरी चरण सिंह वार्ड, भारतीय जनता पार्टी।